तो देखिए मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखे हुए, उसके बाद भी ना ये टेढ़ी हो गई, सारी चूड़ियाँ टेढ़ी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? पता है मैं ये सोचती हूँ कि मैं डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के तो कम से कम व्लॉग अपलोड कर दूँ, आप लोगों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हो और आप लोग कमेंट भी करते हो कि दी हमें आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि हम खुद के घर में हों और अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हों, ऐसा लगता है ना। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है आप लोगों से बात करना, और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे भी बात करना, लेकिन क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि डेली क्या मैं एक दिन छोड़ के भी अपलोड नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा चलो आज तो कर ही दूँ, मुझे कई दिन हो गए, कई दिनों से मैंने भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। नेचुरल पूजा पे तो मैं कर ही देती हूँ, कभी कभी उस पर भी नहीं कर पाती, इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। और आप लोगों में से मुझे ये बोला था कि दी आप हमें ये बताइए कि आप कौन सा हेयर कलर अपने बालों में करती हो, और मैं भी वही करूँगी, या फिर हमको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि आप कौन सा करती हो। तो देखिए मुझे 1-1.5 साल से मैंने कोई कलर नहीं किया बालों में। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 साल पहले मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, 1 साल ही ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो रिबॉन्डिंग के बाद तो आप जानते हो कि हेयर कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और देखिए रिबॉन्डिंग के बाद ना मेरे बालों में जो कलर है अभी भी है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पर है थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, आपको गोल्डन में नज़र आ रहे होंगे ना यहाँ से थोड़ा सा, तो है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी जो मैंने नेचुरल पूजा के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि होममेड हेयर डाई और आंवला पाउडर से जो बना के बताया था, एलोवेरा जेल और आंवला पाउडर से, तो वही मैंने अपने बालों पे लगाया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक ही बार लगाया था मैंने क्योंकि मेरा वो बेकार जाता, तो इस वजह से, और वो एकदम नेचुरल है। और मैंने जो बोला था आप लोगों को कि इसे आप होममेड डाई भी बोल सकते हो या फिर हेयर मास्क भी बोल सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एकदम नेचुरल, तो मैंने वही लगाया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कलर तो सारा चला ही गया बालों में से, कि शायद अब मैं लगाऊं। लेकिन उससे पहले मैं क्या लगाया करती थी, मैं हिना मेहंदी जो आती है ना, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको आप डाल के अगर अपने बालों में लगाओगे तो आपके बालों का जो कलर है ना बहुत ही अच्छे से आएगा। अगर आप बरगंडी कलर चाहते हो, आप जैसे कि होता है हल्का ब्राउन होता है, आप वो चाहते हो या फिर ब्लैक चाहते हो, जैसा भी चाहते हो उस हिसाब से उसमें ऐड करना पड़ता है। तो इसका भी वीडियो मैं आप लोगों तक बहुत ही जल्दी पहुंचाऊंगी। लेकिन पता है मैं कोई भी हेयर डाई के लिए क्यों वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा था ना, तो इस वजह से मुझे खुद के अपने बालों में अप्लाई करना पड़ता, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब नहीं हो जाए कहीं, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं निकाल रही थी। लेकिन अब तो मौसम चेंज हो गया है, तो अब मैं ये वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। और आप लोग जानते हो कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब एग्ज़ाम चल नहीं रहे, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी तैयारी में मेरे दोनों बच्चे लगे हुए थे। और आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ आप अपने बेटे के साथ व्लॉग बनाइए ना, और हमें आपके बेटे से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो पता है मैं उसे अपने व्लॉग में क्यों नहीं लेके आ रही, क्योंकि अभी जो उसके एग्ज़ाम टाइम है तो अपनी पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा लेके आ रही हूँ, अभी लेके आती हूँ। तो इस वजह से जब वो अब उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी ना, तो उसके बाद मैं उसे अपने ब्लॉग में ज़रूर लेके आऊँगी। उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों से बात करना, ऐसी बात नहीं है कि उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो भी मजबूर है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वजह से। तो फिलहाल मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बैंगल कलेक्शन, कि मेरे पास कितना कलेक्शन है चूड़ियों का, वो सारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम प्लीज़ आप हमें अपना बैंगल कलेक्शन दिखाइए कि आपके पास कितना कलेक्शन है और कैसे कैसे आप पहनते हो, किस ड्रेस के साथ है, कौन सी चूड़ियाँ पहनते हो, तो हमें ये भी बताना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये अपना चूड़ा। तो देखिए ये है मेरे पास चूड़ा, और ये चूड़ा मैंने कब लिया था, कम से कम आज से 7 से 8 साल हो गए होंगे तब मैंने ये लिया था। और उसके बाद मैंने कितना टाइम इसको पहना है, मैंने इसको पहना है 2 से 3 बारी पहना, उसके बाद पहना ही नहीं मैंने। और पहनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है पहनने में। ठीक है, ये आपको दिखाया, और इसका जो कलर है मरून कलर है, ये देखिए। ठीक है, और इसको रख देती हूँ साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेटल की चूड़ियाँ। तो देखिए ये है मेरे पास मेटल, और मेटल की चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें यहाँ पे देखिए ये मैंने गोल्डन कलर में भी ले रखी है और इस कलर में भी ले रखी है,
अब जैसे जैसे साड़ियां होती है जो मतलब हमारी जो ड्रेस होती है उसके साथ फिर उसी हिसाब से हम मैच कर लेते हैं, तो मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। और आजकल क्या है ना, गोल्डन कलर तो हर साड़ी में आपको मिल जाएगा, सूट में, साड़ी में, दुपट्टे में, हर में मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है। और गोल्डन को किसी के साथ भी मैच करके पहनो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है मेरे पास मेटल, और इस मेटल को आप अगर आपके पास भी मेटल की चूड़ियाँ हैं तो आप उनको इस तरीके से जो ये पॉलोथीन आती है ना इसका, तो इसमें प्लास्टिक में अच्छे से कवर करके रखा करें, इससे क्या होगा आपकी काली नहीं पड़ेंगी। नहीं तो फिर अगर आप इन्हें इसी तरीके से खोल के रख दोगे ना ऐसे ही, तो ये काली पड़ जाती है बहुत ही जल्दी से। तो मेरी अभी काली नहीं पड़ी है, और इनको भी मैंने लिए कम से कम 1 से 2 साल हो गए, 1 से 2 साल पहले मैंने ली थी, और उसके बाद अभी भी काली नहीं दिखी, कितनी अच्छी सी साइन है इनमें। क्यों है? क्योंकि मैं इनको कवर करके रखती हूँ अच्छे से, इस वजह से। ये दिखाया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कड़ी। चलिए अब मैं आपको ये वाली कड़ी दिखा देती हूँ जो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने कड़ी अच्छे से पैक करके रखे हुए हैं, और आपको दिखा देती हूँ। ये तो है चूड़ियों का सेट गोल्डन में। तो देखिए सब कुछ मैं ऐसे ही कवर करके रखती हूँ, और ये देखिए, और ये भी बहुत ही सुंदर है। मैं इसको साड़ी के साथ भी पहन लेती हूँ, और क्या कहते हैं सूट के साथ भी डाल लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है ये। ये देखिए गोल्डन में है, और ये है इसमें जो व्हाइट कलर के ये वाले है ना, ये स्टोन है, इसमें 4 चूड़ियाँ मतलब स्टोन में है, और ये गोल्डन में है। तो काफ़ी सुंदर सा डिजाइन लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। और ये सेट मुझे कितने का पड़ा था? ये सेट मुझे पड़ा था 450 का पड़ा था, ये वाला गोल्डन का। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, और ये मैं लेके आई थी। कहाँ से लेके आई थी? ये मैं मंदिर से लेके आई थी, मंदिर गई थी मैं, तो वहाँ से मैं लेके आई थी, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ ये दूसरी चीज़। तो देखिए इसमें है मेरे पास, ये सिंगल में कड़े हैं, सिर्फ 2 ही कड़े हैं, और ये देखिए ये 2 ही कड़े हैं। तो इनको भी मैं कभी कभार पहनती हूँ तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, पहनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लुक आता है ना जो बहुत ही अच्छा सा आता है। और इनको मैं सूट के साथ या फिर साड़ी के साथ भी डाल लेती हूँ, तो सूट के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें क्या हो गया? तो देखिए इस तरीके से यहाँ से ये ओपन हो जाता है, और ऐसे करके डाल लो तो बहुत ही सुंदर हाथ लगता है हमारा, और काफ़ी प्यारा सा। ये वाले मैंने अभी पहन रखे हैं, मैं अब बहुत ही कम डालने लगी हूँ चूड़ियाँ, नहीं तो पहले तो मैं हर समय डाल के रखती थी, कभी कांच की मतलब चेंज कर करके जो भी मन करता था वो डाल लिया करती थी। तो ये वाले कड़े मैंने पहने हुए हैं, और ये देखिए ऐसा लुक आता है, काफ़ी अच्छा लगता है प्यारा सा। ठीक है, तो मैं इनको भी रख लेती हूँ साइड में। अब आपको मैं दिखाती हूँ अपना कुछ दूसरा। अब आपको क्या दिखाऊँ मैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको ये वाले कड़े जो देखिए ये है मेरे पास, ये सिंगल में है, देखिए ये हैं, ये सिंगल में है, और ये भी मैं कभी कभार डाल ही लेती हूँ, लेकिन इसका ना जो साइज है बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ इसको। ये मेरे पे मतलब बड़ा साइज आ गया, मुझे आइडिया नहीं लगा था उस समय। तो देखिए लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है अगर हम इसके साथ, तो कांच की जो चूड़ियाँ होती है ना उनको मैच करके पहनेंगे, मतलब बीच में इसे डाल के कांच की चूड़ियाँ आगे और पीछे डाल के, तो बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका कभी कभार मतलब डालने में। लेकिन सिंगल डालना है तो हम सिंगल भी डाल सकते हैं, लेकिन साइज इसका बहुत बड़ा है तो इस वजह से मैं इसको कम ही डालती हूँ। चलिए मैं फटाफट दिखा देती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक है मेरे पास ये वाले कड़े, वो मैंने आपको दिखाई दिया, वो साइड में रख देती हूँ। एक है मेरे पास ये वाले कड़े, तो देखिए ये भी बहुत ही सुंदर कड़े हैं, ये देखिए ये मुझे पड़ा था ये वाले कड़े, और जो मैंने अभी दिखाई थे ना सिंगल में, ये मुझे 250 के पड़े थे दोनों। ठीक है, ये और एक है गोल्डन में ये, और ये तो मुझे 100 के पड़े थे बस, और काफ़ी अच्छे हैं, 100 में तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, तो मैं ले आई, जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर मैं ले ही लेती हूँ। देखिए क्या सोचना इसने में, और ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, है ना सुंदर। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, जो भी है मेरे पास सारा मैं आपको दिखाऊंगी आज। और जो अच्छा ये है मेरे पास लाख का सेट, लाख होता है ना, तो देखिए ये है मेरे पास लाख का सेट। ठीक है, ये आपको खोल के दिखा देती हूँ, और ये भी मैंने इसी तरीके से कवर करके रखे हुए हैं। लाख का एक है बड़ी मतलब अच्छे से संभाल के रखने पड़ते हैं, ये तो ज़रा सा गिर जाएंगे ना तो क्रैक हो जाते हैं बड़ी जल्दी से। और ये देखिए इसमें ये गोल्डन है, और इसमें ये वाला कलर है, और बहुत ही प्यारा है। ये मेरे पास एक साड़ी थी तो उसके लिए मैंने ये खरीदा था, लेकिन मैं किसी के साथ पहन लेती हूँ मैच करके इधर उधर, और बहुत ही प्यारा सा लुक लगता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। और ये भी ठीक ठाक है मतलब, लेकिन संभाल के रखने पड़ते हैं। देखिए ठीक है, ये 2 सेट है मतलब दोनों हाथों का सेट है, एक ये रहा इसके अंदर बंद, तो इसको भी मैं रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो गया, अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ। हाँ ये भी मेरे पास लाख है, देखिए एक ये है मेरे पास, दोनों कर ये देखिए दोनों सेट है, और ये भी लाख में ये,
और ये भी मैं कभी कभार ही पहनती हूँ, पहन लेती हूँ, लेकिन ये है कभी जब मेरा दिल करता है पहनने का तो पहन लेती हूँ। तो देखिए ये भी लाख का ही सेट है और ये भी काफ़ी सुंदर है और लाख पहनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इसको संभाल के बहुत ही अच्छे से रखना पड़ता है। इसमें पता है क्या होता है, कभी कभी हम चूड़ियाँ ऐसे ही खोल के रख देते हैं ना तो ये टेढ़ी भी हो जाती है, लाख का यही होता है, तो इसको बड़े अच्छे से कवर करके रखना पड़ता है। तो मैं जो इस टाइप के ये इसके साथ बॉक्स आते हैं ना तो मैं इसी में इसी तरीके से रखती हूँ, जिसका जो इनका सेफ है ना वो बना रहे, इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं हो, तो टेढ़े हो जाते हैं ना फिर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पहनने में, तो ये भी मैं साइड में रख देती हूँ। चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको, क्या देखिए इसके अंदर मैंने पैक करके रखी हुई है, ये देखिए सारी चूड़ियाँ इसके अंदर पैक करके रखी हुई हैं। आप देखिए ये इसमें कड़े भी हैं, कांच की चूड़ियाँ भी हैं, तो आपको मैं दिखाई देती हूँ एक एक करके सारा। तो देखिए मैं ऐसे ही दिखाती हूँ आपको, ठीक है इसको। ये देखिए इसके अंदर कड़े भी हैं और चूड़ियाँ भी हैं, तो इनको तो मैंने ऐसे सेट करके रखा हुआ है सारे को, देखिए और इसमें कड़े भी हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। तो ये इस तरीके से हम कवर करके रखते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से रखी रहती है और ज़्यादा हमारा जो अच्छे से मतलब सेट हो जाती हैं। और देखिए आपको कांच की चूड़ियाँ दिखाऊँ, ये मेरे पास है, मैं कभी कभार इन्हें मैच करके पहन लेती हूँ तो आपको ऐसे दिखा देती हूँ। देखिए ये भी कांच है, मतलब कांच की ये सारी और काफ़ी सुंदर लगती है। ये मैंने ली थी करवा चौथ पे पहनी थी मैंने, तो तभी मैंने ली थी, और करवा चौथ की तो मेरे पास काफ़ी रखी हुई है, मैं उसी समय पहन लेती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर कभी मौका मिलता है तो पहन लेती हूँ। तो ये देखिए अब आपको दिखाती हूँ मैं दूसरा सेट, और इसमें है ये देखिए, इसमें कड़े हैं, ये रे कड़े, ये वाले जो कड़े हैं ये मैंने अपनी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ थी ना उनसे मंगाए थे, तो वो पहन के आई थी तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने कहा दीदी ये मेरे लिए लेके आना, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। और ये वाली चार चूड़ियाँ हैं, ये आप देख रहे हो ना ये रेड कलर में, ये मोटे वाले कड़े हैं, ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लगे, ये भी मुझे 250 के दो कड़े पड़े थे जो मोटे वाले हैं ये, और ये वाले कड़े, ये इनका भी साइज़ बड़ा है जो ये ग्रीन में, तो मुझे तो कम ही पहनती हूँ। और ये वाले कड़े ये मैं लेके आई थी नगरकोट से, जो नगरकोट वाली देवी है ना वहाँ पर हम लोग गए थे, तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी, तो ये भी मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सेट, तो देखिए ये भी मेरे पास चूड़ा ये थोड़ा सा पिंक कलर में है, और ये भी मैं कभी कभार डाली लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो डेली में इतनी सारी चूड़ियाँ डाली नहीं जाती, फिर क्या होता है ना काम नहीं होता करके, जो काम होते हैं ना वो हम करते फिर ठीक से नहीं हो पाते ज़्यादा चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के, लेकिन मैं पहन लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला, तो देखिए इसमें है ये, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये वाली जो येलो कलर में चूड़ियाँ ना कितने साल पुरानी है, ये पता है कम से कम 10 साल पुरानी चूड़ियाँ है ये वाली, तब मैंने ली थी, ऐसी मेरे पास एक साड़ी थी, उस समय क्या था ना तो मतलब एकदम मैच मैच में पहनते थे, आज से 8-10 साल पहले ऐसा लगता था ना कि साड़ी भी ऐसी होनी चाहिए, चूड़ियाँ भी वैसी होनी चाहिए, इयर रिंग्स भी वैसे ही होने चाहिए, उस समय कुछ ऐसा क्रेज था, तो तब मैं ये पहन तब मैंने ये ली थी। और इसके अंदर ये जो है ये मैंने ली थी कहाँ से, ये मैंने ली थी शायद, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से ली थी। और ये वाले कड़े हैं ये भी मैं कभी कभार डाल ही लेती हूँ, लेकिन इनका जो कलर है ना वो थोड़ा सा फेड हो गया है अब, तो इसके जो स्टोन है वो भी कहीं कहीं से कुछ कुछ निकल गए, तो इसलिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, तो ये देखिए इसमें है मेरे पास, ये गोल्डन में है, गोल्डन कलर में, ये भी गोल्डन में है, तीनों चारों गोल्डन में है, ये भी सिंगल सिंगल कड़े हैं, तो ये इस टाइप के हैं। और ये वाले कड़े हैं ना ये तो काफ़ी अच्छे निकले, ये तो काले भी नहीं पड़े मेरे, ये वाले अच्छे से मैंने कवर करके रखा हुआ था ना तो काले भी नहीं पड़े। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले कड़े, तो देखिए ये है चार का सेट, मतलब दो दो कड़े, ये सिर्फ ये किसी के साथ सेट में था तो मैंने इनको सिंगल करके पहन लिया, तो इनके जो स्टोन थे ना सारे खराब हो गए, निकल गए, मतलब ये चार कड़े हैं, तो कभी कभार इन्हें भी डाल लेती हूँ सूट या साड़ी के ऊपर, कभी भी किसी टाइम जब मेरा दिल करता है तो मैं बदलती रहती हूँ, जब दिल भर जाता है तो उन्हें उठा के रख देती हूँ, फिर दूसरा उठा के फिर उन्हें पहन लेती हूँ। चलिए ये मैंने आपको दिखा दिया था, अब इसको रख देती हूँ मैं साइड में, मैंने साइड में रखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, तो देखिए ये है मेरे पास, इसमें रेड में भी है और मरून में भी है, दोनों हैं, और देखिए इसमें कांच में भी है और मेटल में भी है, ये मेटल में है तो ये भी मैं कभी कभार डाल ही लेती हूँ, ये मेटल है कांच नहीं है, और कांच में इसमें क्या है, कांच में है इसमें ये देखिए, ये दिखाती हूँ आपको कांच में, ये है कांच में, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, और रेड कलर में तो चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो ये भी मैं कभी कभार डाल ही लेती हूँ, तो मेरा जो भी दिल करता है डालने का, ये देखिए
और इनको भी मैंने दो या तीन दिन पहले ही डाला है अभी, तो जब मुझे दिल भर जाएगा, जब मुझे लगेगा तो मैं इन्हें भी रख दूँगी, फिर दूसरे पर डाल दूँगी। तो मैंने ये आपको दिखा दिया, अब मैं आपको क्या दिखा देती हूँ। अब देखिए ये है इसके अंदर, ये है 8 चूड़ियाँ। तो ये मैंने ली थी, ये भी मैंने ली थी 500 की ली थी शायद, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और इन्हें तो हम किसी के साथ भी ऐसे भी डाल सकते हैं, साड़ी के साथ, सूट के साथ, या मैच करके किसी में डाल सकते हैं, तो बहुत ही प्यारी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है ये। और ये भी काली नहीं पड़ी अभी, ये देखिए पहनने में बहुत ही सुंदर हाथ लगता है ये वाली, ये ऐसे है, ऐसे देखिए वाइट स्टोन है इसमें, तो काफ़ी सुंदर लगती है। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए मैंने गोल्डन में भी ना इतनी सारी चूड़ियाँ रख रखी है, ये मेटल में है, ये सिर्फ गोल्डन ही गोल्डन में है, मतलब तब मेरा दिल करता है ना कुछ, मतलब जैसे कि मैच करना हो किसी के साथ, चूड़ियाँ नहीं है तो इधर उधर से करके सेट करके और आप डालो तो बहुत ही सुंदर सेट लगता है। तो ये है गोल्डन में सारी, तो इन्हें भी मैं कभी कभार डाल ही लेती हूँ, बहुत ही सुंदर लगती है मैच करके। और इनको भी मैंने इसी तरीके से पैक करके रखा हुआ है, जिससे जो इनका कलर है ना ब्लैक नहीं हो, ऐसे पैक करके इनको मैंने रखा हुआ बंद करके, इसी दोनों सेट है ये काफ़ी। तो ये भी हो गया, अब आपको क्या दिखाती हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले कड़े। तो देखिए ये भी मेरे पास है, गोल्डन में ही है और काफ़ी सुंदर है ये वाले कड़े, देखिए कितने सुंदर कड़े हैं ये देखिए। और ये तो मैंने अभी एक ही बार डाले, उसके बाद डाले ही नहीं, तो आपको डाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए एक ही बार डाले थे और काफ़ी सुंदर लगते हैं, साड़ी के साथ डालो, सूट के साथ डालो, मतलब कोई भी आउटफिट है आपका उसके साथ डालो, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ ये वाले कड़े, और ये वाले कड़े देखिए, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि ऐसी मेरे पास एक साड़ी थी ब्लू और गोल्डन शेड में, तो उसकी वजह से मैंने ये लिए कि ये मेरी साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से मैच करेंगे, और ये भी पहनने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि साइज़ पूरा मेरा ही साइज, एकदम फिक्स साइज़ था, बहुत ही अच्छा साइज, तो मेरा हाथ भी फुल हो गया। तो देखिए ये भी पहनने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनने में जब पहनते हैं। तो चलिए अभी मैं निकाल देती हूँ और आपको क्या दिखाऊँ, फटाफट दिखा देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। एक ये है, वही भी गोल्डन में ही है, तो देखिए ये भी गोल्डन में ही है कड़े, और ये मुझे पड़े थे 150 के साइज पड़े थे दो कड़े, ये देखिए ठीक है, इनको भी कभी कभार डाल ही देती हूँ। और ये लाख तो आपको मैंने दिखाई दिया, ये वाला लाख भी दिखा दिया, वो भी लाख नहीं, वो दूसरा दिखाई था। और एक है मेरे पास ये लाख में, तो लाख तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, देखिए मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखे हुए, उसके बाद भी ना ये टेढ़ी हो गई, सारी चूड़ियाँ टेढ़ी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई, क्योंकि तो मैं इनको पहन ही लूँगी किसी दिन। तो ये भी हो गया, और एक है मेरे पास ये, और ये मुझे दिए थे मेरी, ये जो देखिए ये सेट है, और ये किसने दिया था, ये मुझे दिया था मेरी बीच वाली जो सिस्टर इन लॉ है ना, उन्होंने मुझे दिया था ये, वो लेके आई थी मेरे लिए, और काफ़ी अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा, अभी तक मैंने पहना भी नहीं है इनको, लेकिन पहनूंगी किसी दिन ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है मेरे पास ब्लैक चूड़ियों का सेट, ब्लैक और वाइट, ये देखिए ये इसमें मोती लगा हुआ है, ये जो चूड़ियाँ है ना इसमें मोती लगा हुआ है इस तरीके से। और ये चूड़ियाँ कितनी पुरानी है, ये पुरानी है उस समय जो आप मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है हेयर स्टाइल का, उसमें मैंने ब्लैक साड़ी पहन रखी है और ये वाली चूड़ियाँ भी डाल रखी हैं, मतलब ये मैंने कब खरीदा था, कम से कम जब मेरे छोटा भाई था ना उसकी एंगेजमेंट हुई थी, तब मैंने वो वाली साड़ी खरीदी थी अपने लिए ब्लैक कलर की, और उसी के साथ मैंने ये चूड़ियाँ खरीदी थी, तब पहनी है, या फिर हेयर स्टाइल बनाया था उसके तब पहनी थी मैच करके। लेकिन उसके बाद फिर मुझे किसी ने बोला कि ब्लैक कलर की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, अशुभ होती हैं, कहीं कहीं पे पहना भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, उसके बाद फिर मैंने पहनी नहीं, तब से मैंने पैक करके रख दिया। तो देखिए ठीक है, ये अच्छी हुई है, लेकिन आजकल कोई कैसे भी पहन लेता है। और ये है मेरे पास दो कड़े, ये मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे, ये वाले कड़े हैं ना, ये मेरी मम्मी मेरे लिए लेके थी, तो अभी पैक ही है, मैंने खुले भी नहीं, पहने भी नहीं अभी, और सुंदर है, काफ़ी सुंदर कड़े हैं, इनको हम कभी भी डाल लेते हैं हाथ में, देखिए है ना, साड़ी सूट डालो, साड़ी डालो, किसी के साथ भी पहनो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये भी मैं रख देती हूँ, अब आपको मैंने सारा दिखाई दिया, अब क्या बचा, अब बचा बहुत पुरानी चूड़ियाँ मेरी, कांच की चूड़ियाँ, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, इसकी और सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया, फिलहाल मेरे पास यही है, और ये है मेरे पास कांच की चूड़ियाँ, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, लेकिन उसके बाद पहनी अभी तक भी नहीं, अभी रखी हुई है, और इस कलर में ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, तो मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया। चलिए मैं अपने लिए चॉकलेट लेके बैठी हुई थी कि मैं इसको भी खा लूँगी, और मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया।